इमरान खान एंकर बड़ा ही कोई मतलब माजरत एक घटिया आदमी है, अस्तगफर इसमें तो कोई सारा क्योंकि बोल सकते मतलब कल परसों तो कोई अकेला कह रहा है मैं नहीं उसके साथ, मतलब एक बड़ा ही कुछ चवल किस्म का इंसान। आज सुबह उन्होंने कोई ट्वीट डिलीट करके बोला हाँ, कि भाई माजरत हो गई वो फेक न्यूज थी। मैंने देखी मैंने लगा कौन सी वाली क्योंकि पिछली लाखों तुम्हारी यही फेक न्यूज थी, धंधा ही है यार तुम पर। बट उसके पीछे नहीं, नहीं कोई एक आध बात तो ठीक होगी जिंदगी में, कभी तो कुछ सच बोला। कि अगर आप प्रो ये वाला कॉन्टेंट पैदा करेंगे ना तो वो आपके बल्कि आपकी पॉडकास्ट पे फिर पॉडकास्ट आए, उस पर एक साहब आए थे ये कह रहे थे उनके दोस्त ने शुरू किया और उनका धंधा ऑन हो गया। तो उनका जो है आप अगर आप प्रो कंटेंट करेंगे इस वक्त जो एक पॉपुलिस्ट वेव के साथ तो ये हाल है कि वो जो एक डॉक्टर साहब थे ना जो कह रहे थे दिन में 7-8 दवा लगा लो कोई टेंशन नहीं, उन्होंने भी वो काम छोड़ गए ये शुरू कर दिया वो समोसे वाले। हाँ नहीं एक दिल्ली में भी एक दिल्ली में भी है अंकल उनका इंस्टाग्राम पे पूरा अकाउंट वाले। यस ये तारीखी आपसे सवाल है यार मेरा, आप पहले तो आप बुनियादी मसाइल क्या है आपको एक पार्टी जो एक सर चौधरी गुलाम हुसैन साहब को बनियान नहीं मिल रही इतनी महंगाई हो गई आप बोलने पे, लोगों के इधर बनियान पहनने के पैसे नहीं है लोगों के पास। बुनियादी मसला क्या है आपको पीटीआई फिलहाल तो हमें बनियान का पता चला है बाकी और दीगर भी हैं आपको क्या मसला जनाब? मुझे तो पीटीआई से कोई मसला नहीं, मैं तो सपोर्ट करता हूं। तनकीद जो मैं करता हूं मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे लीडर हैं, अपनों को ही तनकीद की जाती है। यस सर, तो मैं तो इमरान खान को शुरू से सपोर्ट कर रहा हूं। वो जो ब्रेक के बाद मूवी आई थी दीपिका की अच्छे, फिर आप गलत देखे ना, आप इमरान खान वो वाले पे चले गए, अच्छा, आमिर खान का जो भांजा है अच्छा, इधर फैज के भांजे की बात हो रही है, ये अलग है ये इमरान अलग है